सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम ग्राफिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब कलर ग्रेडिंग कैसे करें। क्यूब कलर ग्रेडिंग कैसे करें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फोटो ले लें। ये रहा मेरा फोटो। आप फोटो को देख लें कैसा है और इसे कैसा बनाना है। तो सिंपली आप सबसे पहले आप लेयर यहां से आप ओपन कर लें। लेयर F7 से ऑन होता है। F7 पे क्लिक करेंगे तो यहां से लेयर खत्म और फिर F7 से आपका लेयर आ जाएगा। देखिए खत्म हो गया। F7 से आपका लेयर आ जाएगा। ये हो गया लेयर। और लेयर में फिर लेयर होता है, चैनल होता है, पाथ होता है। तो हम चैनल को देखेंगे। ये है चैनल। चैनल में क्या क्या लिखा हुआ, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप। आप इस पे ध्यान दीजिएगा क्या है ये। चैनल पे आने के बाद ये चार ऑप्शन होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो सिंपली हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना ये है कि इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद मोड ऑप्शन ऑन करेंगे। मोड पे जाने के बाद LAB लैब कलर है। ये जो लैब कलर है उसके सहायता से हम क्यूब कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे। इमेज में जाएं, मोड में जाएं, उसके बाद LAB लैब कलर पे क्लिक करें। लैब कलर पे क्लिक जैसे ही हमने किया तो आप इधर देखिए, पहले था रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब। अब यहाँ पे आ गया लैब, लाइट ए और बी। लैब, लाइट ए और बी। सिंपली मुझे करना ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, बी को। बी को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे मेरा पिक्चर का, ये देखिए स्थिति क्या हो गया। तो बी को जब हम क्लिक किए तो बी को आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए या फिर आप एडिट में जाके इसे कॉपी कर लें। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, मतलब कि इसको ऑल सेलेक्ट किए, बी वाले ऑप्शन को कंट्रोल सी से कॉपी किए। आप यहां से भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। कंट्रोल ए से आपका ऑल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अब सिंपली मुझे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल भी कीबोर्ड का शॉर्टकट की हो गया। ऐसे आप एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन, उसके बगल में देखिए कंट्रोल भी, ये शॉर्टकट की बना हुआ है। तो आप सिंपली कंट्रोल भी क्लिक के, कंट्रोल भी क्लिक करने के बाद यहाँ यो बी वाला इमेज ए पे पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद हम लोग को जाना है एडिट मेनू में। एडिट मेनू में जाने के बाद हम लोग को फेड पे क्लिक करना है। फेड, शिफ्ट कंट्रोल एफ से फेड लगता है, या फिर आप सिंपली एडिट पे जाएं और फेड पे क्लिक करें। फेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फेड जो है ओपेसिटी इसका अभी 100 है, तो हमको इसको 100 नहीं रखना है, ओपेसिटी को 60 कर देना है। 60, ये 60 हो गया ओपेसिटी। अब सिंपली हमको ओके करना है। ओके हो गया। अब देखिए इसका जादू कि कैसे कलर ग्रेडिंग हो के आपके सामने निखर के पिक्चर आ जाएगा। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर फोटोशॉप में अगर कुछ भी सीखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टाइप का वीडियो आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। तो ये जो फेड लगा है, फेड लगाने के बाद सिंपली हमें LAB कलर पे क्लिक करना है। आपके सामने पिक्चर बनके तैयार हो गया। ये हो गया क्यूब कलर ग्रेडिंग, पिक्चर आके बन गया। अब मैं आप लोग को डिफरेंट दिखाता हूं पिक्चर में। आप इसे सेव कर लें, फाइल में जाएं और सेव एज पे क्लिक करें और जहां सेव करना है आप इसे सेव कर लें। जिस फाइल में भी सेव करना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी टिप में सेव कर लेते हैं। ओके ओके, ये पिक्चर मेरा सेव हो गया। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था इसे। अब मैं इसे ओपन करता हूं।
ये मेरा पिक्चर है और ओरिजिनल पिक्चर जो मैंने एडिट किया था वो पिक्चर को भी मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि कैसा है दोनों में फर्क। तो देख सकते हैं क्यूब ग्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप इसे प्री वेडिंग वगैरह में आप इसे यूज कर सकते हैं। प्री वेडिंग हो उसमें ज़्यादा यूज होता है इस टाइप का फोटो, या फिर आप कोई मॉडलर वगैरह हो तो उसमें आप यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन को, बहुत अच्छा खूबसूरत फोटो बन जाता है। इसमें और भी कुछ कर सकते हैं लेकिन ये मैंने बताया क्यूब कलर ग्रेडिंग, इसलिए इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। इसके अगले वीडियो में मैं आपको पूरा फुल एडवांस कलर करेक्शन बता दूंगा, इससे भी ज़्यादा बढ़िया फोटो आपको देखने में लगेगा। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।